सो गाइस यहाँ नोनो हो गया रेडी, दिखा बेबू आगे से। नोनो जाएगा स्कूल, तो स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेट। ये मैंने डाल दिया नोनो की ड्राई फ्रूट्स। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो जी हो चुका है 22 नवंबर, हो चुका है बर्थडे खत्म, तो बर्थडे वीक खत्म, बर्थडे मंथ खत्म, बर्थडे डे खत्म। तो आज नोनू गया है, हाँ नोनू का भैया आज का लास्ट, तो नोनू लेके गया ड्राई फ्रूट्स, मैंने बताए थे आप लोगों को। तो बस मैं ना चुकी हूँ फटाफट, क्योंकि नोनू को लेने जाना है स्कूल, नोनू यशवी को दोनों को। फतेहदेव गए बाहर कहीं काम से पापा के साथ, तो मैं जाऊँगी बच्चों को लेने। तो मैं सोची व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि व्लॉग स्टार्ट हो जाता ना फिर बनाने में बड़ा ईजी हो जाता है, और एक तरह की टेंशन खत्म हो जाएगी, हाँ भैया व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए चलिए चलते स्कूल, तो बने रहिएगा व्लॉग में। आज का पूरा डे रूटीन यही शेयर करूँगी। आज हम लोगों को जाना है यशवी के स्कूल भी, मतलब जहाँ सीट बुक करनी है वहाँ भी जाना है, तो टीचर से मिलना है, बहुत काम है भैया, पूरा दिन बिजी निकलेगा। तो चलिए चलते स्कूल। पर्स वर्स लेके जाऊंगी, जब तो ना वैसा गर्मी बहुत है, कहाँ खेल लगा था घंटा, देखूंगी वहां ज्यादा लगन तो उसे पहले छोड़ दूंगी। खुल जा भैया, ऐसा बहुत दिन बाद गाड़ी चलाऊंगी मैं। चलिए भैया ड्राइविंग का टाइम आ गया है, बच्चों को लेके आएंगे। सो गाइस आ गई हूँ मैं गाड़ी में, तो चलिए चलते हैं भैया, बच्चों को लेके आते हैं। और टाइम बहुत लग जाएगा यार, वहाँ वो दोनों ना खेलते हैं एक्चुअली, तो नोनू की पहले होएगी यशवी आधे घंटे बाद आएगी, फिर एक घंटा वो भी खेलेगी। तो मैं देखती हूँ, मैं सोच रही पहले नोनू को छोड़ दूँ घर पे, उसके बाद मैं यशवी को लेने जाऊँ, देखती हूँ कैसे क्या होता है। तो चलिए चलते हैं। चलो ड्रेस सही लग रही है एकदम लूज लूज सी। तो यशवी को ले आई थी मैं स्कूल से, और अभी तुरंत हम लोग बस चेंज करके निकल रहे हैं यशवी के दूसरे स्कूल के लिए, यानी कि न्यू स्कूल के लिए। तो बस वही था, लगा एक घंटा 5 मिनट में तैयार होकर आ गए हम बाहर यशवी लेके। पर आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि हम कहीं जावा और हम टाइम से पहले पहुंचा, हमेशा हम लेट ही गए हैं हर जगह। तुम बता दो, तो गाइस हम लोग निकल गए यहाँ से घर से, तो अभी जा रहे हैं यशवी के स्कूल, तो देखते क्या रहेगा क्या नहीं। यशवी कर दिया मैंने रेडी, यहाँ पे यशवी बैठी है पीछे, और यशवी एक्साइटेड है भैया बहुत ज्यादा अपनी टीचर से मिलने के लिए, है ना यशवी? कितने एक्साइटेड है यशवी? टीचर का घर कहाँ से होता है, यहाँ से आते हैं ना? यशवी के बहुत सारे क्वेश्चन है भैया, टीचर का घर कहाँ है, टीचर कैसी होंगी, टीचर का नाम क्या होगा, बहुत कुछ। तो चलिए चलते पहले फटाफट काम करते ऑलरेडी, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए हैं, बहुत ज्यादा लेट हो गया एक्चुअली। तो एक तो पेट्रोल भी गाड़ी में जब याद आता है तब बिल्कुल ही, इसमें लास्ट में 2 ही डंडे रह गए थे तब, अब डलवाया देखो, मेरे को भी नहीं पता, जाके पता लगेगा। यार ये कैसी गाड़ी? हो गया हम लोगों का काम, फ्री हो गया जी, और टाइम हो गया काफी, कितने बज गए, 4:30 बज गए। तो अभी जा रहे हैं हम लोग घर, ये भी टायर्ड हो गया भैया बहुत ज्यादा, तो आ गए हैं यहाँ पे। पता था मम्मी कह रही कॉल पे बात कर लूँ मम्मी से एक बार की क्या हो गया, लेकिन मोनू मर रहे हो तो चलिए। और हाँ मेरे 1500 कंप्लीट होने वाला है यार, 2-3 बच रहे हैं, प्लीज़ कराओ फटाफट कंप्लीट, मैं बोलूँ शाम को। मैं एक बार तो सोचती थी कल ही हो जाएंगे, कल तो हुई नहीं, जब तक आज हो जाए बस 3-4 ही बाकी हैं, तो कराओ यार 1500, फिर मैं बोलूँ यहाँ पे आके ला दे छील दो। सो गाइस हो गए हैं मेरे 1500 कंप्लीट, 1500 हो गए मेरे, तो थैंक यू सो मच गाइस। ये लग रहा है बस 1000 मेरे अभी हुए थे, अभी मैंने वीडियो डाली थी वो वाली, तो हो गया, मैं सुबह से वेट कर रही थी, तो वीडियो तो पता नहीं कौन सी चल रही है अब, तो खैर मैं देखती भी नहीं हूँ, बट हाँ 1500 कंप्लीट हो गया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी मैं जा रही हूँ वापस काम दिखाने, टाइम हो गया 7:30, सब्जी बनाई आई मैं कद्दू की, आटा लगाई, सारे काम हो गए, बच्चों को छोड़ के आई हैं घर, हॉस्पिटल नहीं लेके आई उसको, कान में सच में मतलब ऐसा हो रहा कि भर गया पूरा, हवा घुस गई है, तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है, एंटीबायोटिक या फिर क्या। चलिए पहले एक टाइम था जो 1000 तक है ना, मैंने बहुत वेट करी है, 100 हो गए 200 हो गए 300 हो गए, अब जैसे अब 500 है ना, मैं अब बोली 1100-1200 पे नहीं बोली थी, पर अच्छा लग रहा है यार अंदर से, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और जितने सब्सक्राइबर होंगे उतनी जल्दी खींचता है फिर वो, है ना भैया, गाड़ी सीख करके बहुत तगड़ी मेमोरी है, व्लॉगिंग करती नहीं थी, देखो मैं रोज डेली व्लॉग डालती हूं, डेली डालती हूं, वहां जाके अंजुत पढ़ाती मोबाइल, अंजु करती फिर मैं बढ़ाती, फिर थम आते मतलब हर एक चीज जाती है, पता है बस 1-1.5 महीना पहले बना लेती ना मैं चैनल, तो सारी मेमोरी जाती है उसमें। और वो तो पता है हम तीनों ने एक साथ सीख ली, तो आगे गाड़ी
नहीं तो नहीं आती। अपना देख लो साइड वाले सोनाली ने, ऊपर वाले ने बस चीख के और छोड़ दिया, मतलब कोई भी इसकी प्रैक्टिस नहीं कुछ नहीं। अपना मतलब कॉम्पिटिशन ही तो हो गया भैया, वो ना सीखने वाला रही है वो ना, सही में छोड़ दी फिर तो ना सीखने के ऊपर फिर कोई मतलब नहीं है उस चीज का। पर मम्मी ने भी वही मस्त, मेरी तो लगी अंजू की वजह से धक्का तो लेगी, बोली चल के देख लो एक दो दिन कैसा लगा, अच्छा ना लगा तो मत सीखिए। मैं जब आया था तुम्हारी क्लासेस पूरी हो चुकी थी, दो तीन दिन की मेरी बाकी थी, दो दिन की बची थी तुम्हारी क्लास, अंजू की कंप्लीट हो गई थी। और तुम लोग अच्छा खासा मतलब अच्छा खासा नहीं मतलब तुम लोगों ने गाड़ी निकाला बाहर स्टार्ट कर दिया था। हां हम सेंट्रो निकाल लग गए थे सोसाइटी तो बाहर, देखो ऐसा करना पड़ेगा। अंजू कहती चल भैया, है अंजू कहते भैया चल। और पर भैया टाइमिंग भी हमने क्या चूज करोगे थे, दिन में निकला करते याद है तुमने 11 बजे ट्रैफिक कम भी लाया एक राउंड मारिया हो दूर तक गाड़ी सेंट्रो सही थी यार। सो ये गाइस हो गया है नेक्स्ट डे, तो गुड मॉर्निंग, तो आप सभी को बहुत 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 प्यारी वाली गुड मॉर्निंग। तो अभी एक्चुअली गुड आफ्टरनून, तो अभी टाइम हुआ है 1:30 और बच्चे स्कूल से आ भी गए। भैया मेरा अभी नहाना धोना हुआ जस्ट, मैं बस नहा गई, कपड़े मैंने सुखाए भी नहीं, और यशी नोनू दोनों आ भी गए, आज लेट होगी थोड़ा सा काम वाम में। तो बस अभी कान की हालत तो बहुत ख़राब है, 10 दिन की वापस मुझे दवाइयाँ मिली हैं और देखते 10 दिन बाद क्या होगा, अगर हुआ तो ठीक वरना फिर कुछ टेस्ट वेस्ट हम होंगे। सो गाइस देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं, कैसे क्या रहेगा। अभी बस कान ठीक हो जाए यार, इसलिए मैं बहुत जोर जोर से बोल रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि आवाज़ आ ही नहीं रही है। पति देव मेरे यहाँ पे, और फिर भी देख लो मैं इतना टाइम निकाल के फिर भी मैं अपनी मतलब व्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत 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 पसंद है और करना भी और वीडियो शूट करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो कल आया था बर्थडे व्लॉग, कैसा लगा जरूर बताना। अभी मैं जाऊँगी किचन में, खाना नहीं बना भैया, 1:30 बज गए आज, तो आज बनाइए आलू मटर की सब्जी और रोटी और उसके साथ में लस्सी, तो बस मज़ा ही आ जाएगा। सो पति देव पति देव ने पसंद नहीं है आलू सब्जी बिल्कुल भी, परमा ने बहुत पसंद है आलू मटर विद लस्सी, छाछ दूंगी। तो यहाँ बन गई आलू मटर की सब्जी, ये देखिए एकदम मतलब ग्रेवी वाली। इसमें ना रोटी तोड़ के खाओ ना तो बड़ा अच्छा लगता है ग्रेवी के साथ, हमारे यहाँ पे सब ऐसे ही खाते हैं। और यहाँ पे साथ के साथ मैंने तवा रख लिया क्योंकि एक गैस पे सब्जी होती रहेगी, मेरी चपातियाँ बनती रहेगी। सो गाइज यहाँ मेरी बन रही है चपाती, तो हो गया मेरे 1500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट, तो थैंक यू सो मच गाइज, दिल से थैंक यू सो मच। तो आज मतलब मैं देखती हूँ ना खुद को, जहाँ से मैंने 0 से स्टार्ट किया था और अब ये 1500 तक की जर्नी, मतलब मैं क्या बताऊँ अंदर से क्या ही फीलिंग है। तो होता है ना खुद का कि हाँ कुछ तो है यार, आप लोग कुछ तो कर रहे हो लाइफ में, आए हो तो ऐसे तो नहीं हो खाली बैठे, तो बड़ा अच्छा लगता है। मेरा भी मन है कि मैं भी सब कुछ शेयर करूँ आप लोगों के साथ में। उठ गई हूँ सो के, और पता नहीं क्यों मतलब सिट्रीजन या फिर क्या, कल पूरी रात सो नहीं पाई, एक तो मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रखा था, दोनों की तबीयत हल्की सी मेरे को लग रही थी ऐसी ऐसी, तो खांसी आ रही थी उसको, खांसी आ रही थी तो वो उठ के बैठ रहा था। तो अभी मैं उठी हूँ सो के, नहीं उठी तो मैं तो आधा घंटा हो गया, चाय वाय भी पी ली। अभी मैंने निकाले हैं प्रेस के कपड़े, देखो इतने सारे, तो इन सब पर प्रेस करनी है मेरे को, और यहाँ लगा लिया मैंने अपनी प्रेस, तो फटाफट मैं प्रेस करूँगी पहले। कपड़े इतने जाते ना फिर मेरे चैन नहीं पड़ता, मतलब इसमें बच्चों की भी है, नोनों की शर्ट वर्ट जो मैं नई लेके आई थी धुल दिए थे मैंने, वो भी प्रेस करूँगी। तो कान का मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, नहीं हो रहा मेरे अभी भी, कल से टेबलेट पे हूँ पर अभी भी मेडिसिन पे हूँ, अभी भी आराम तो लग नहीं रहा मुझे, देखते हैं 10 दिन की दवाइयाँ दी हैं क्या होएगा उससे। तो बस इतना टाइम निकाल के व्लॉग बना रही हूँ, बहुत बड़ी बात है यार, नहीं तो सच में कि हिम्मत नहीं होती किसी की भी। एक तो कान मतलब इतनी इरिटेशन हो रही है ना मुझे, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है इससे, बहुत ज़्यादा मतलब कि, तो एक कान पूरा ब्लॉक रहता तो आप लोग समझ सकते हो कि कैसा क्या लगता है। तो देखते क्या होता है क्या नहीं, नहीं तो फिर वापस जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, तो मेरी प्रेस जल जाए इससे पहले कपड़े जला दें, क्योंकि मैंने ऑन कर लिया, मैं कर लूँ पहले प्रेस। लव खोल दो, तया पति देव कर रहे अनबॉक्सिंग, मम्मी की आई है कुर्ती। वाओ क्या सिया दिखाओ, लड़ू अच्छा इसमें गोटा पत्ती भर क्या, लग तो अच्छी रही है ना। मम्मी बेचारी बताने कहाँ था ढूंढ ढांड के, मिंत्रा पर डेली ऑनलाइन बैठी रहे मम्मी। अच्छा लगा देखा तुम पूरा, अच्छा अरे बहुत शॉर्ट करके डाला यार वो मैंने, वो तो बने भी था जो गिरना।
ठीक है भैया, हमारी वीडियो बन जाएगी एक दिन और की। ले अच्छी आई है कुर्ती। तो गाइस हो गई है मेरी प्रेस, और ये देखिए पूरी इन पे हो गई है, यहाँ नोनू के कपड़ों पे भी कर दिया मैंने, और यहाँ मेरे पे भी हो गया ये वाली नई कुर्ती। और इसकी सलाह आज मैंने पहन ली, मेरे को नहीं पता था इसके साथ की है, तो मैं सोची कि पुरानी वाली में से है मेरी, तो थी वो सूट के साथ की, इस पर करूँगी कल धुल के, बाकी सब पे होगी पूरी। सो गाइस अभी हो गया है मेरा काम, मैं लेके आई हूँ गुड़ वाली कॉफ़ी बना के, सब्जी भी छो के आई हूँ मैं, आलू क्या छो के आई है, हाँ आलू शिमला मिर्ची, मैं सब्जी भी छो के आई हूँ आलू शिमला मिर्ची की, और मैं ना चटनी भी बना के, क्योंकि आज आलू भी बहुत कम बचे हुए थे और प्याज भी दोई थी, तो इसलिए मैंने कुछ सब्जी बना दी, कुछ मैं चटनी बनाई, क्योंकि चटनी देखो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए दोनों काम कर आई हूँ, आटा वाटा सब लगाई, बर्तन वर्तन सब पूरा झाड़ू पोछा, और कॉफ़ी, तो मैं अपनी कॉफ़ी बना के लाई, इन्जॉय करती हूँ क्योंकि मम्मी आ जाएंगी ना फिर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब सिर्फ चपाती का छोड़ा मैंने, और काम देखो मेरे अभी भी खाली है, तो पहने नहीं जा रहे मेरे से पता नहीं क्यों, पहले मुझे फ़र्क पड़ता था यार ये, अब नहीं पड़ता, ठीक है कहीं बाहर जा रहे हो तो पहन लिए, नहीं तो घर में तो ठीक चल जाता है, तो बस अभी मम्मी आएंगी तो काम बढ़ जाएगा, क्योंकि मम्मी गई है स्टार बाजार, और वहां से आएगा भैया बहुत सारा सामान सब्जी उब्जी, तो बहुत सारा काम फैल जाएगा, बच्चे लगे खेलने में दोनों के दोनों। बता दो क्यों क्या मार रहे थे देर तक, 10 बार आ लिए, क्या हो गया था, हार गए, ठीक है पैसा भी आ गया, ड्रीम इलेवन कब पीछा छोड़ देगा ये मेरा, 2020 आ गया फिर था ड्रीम इलेवन शुरू होगा, फिर आ रोगे अब तब। सो गाइस हो गया हम लोगों का डिनर, और दवाई दुई भी मैंने मेरी ले ली है, मेडिसिन ले ली है, तो अभी भैया बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ मैं, पहले तो लापरवाही कर रही थी बट अभी बिल्कुल भी नहीं, और भाप भी ले लिया, तो भाप का ये देखो मैंने अपना यहाँ रख रखा है ताम झाम, तो बस कभी भी लगाओ और स्टार्ट हो जाओ, तो दिन में मैं 4-5 बार ये भी ले रही हूँ, तो अभी आज तो हल्का सा लग रहा मुझे, हल्का सा बता रही हूँ, ज़्यादा तो नहीं कि थोड़ा सा आराम है, तो अभी बस नाक में टपकाने वाली है वो रेरियर, वो इतनी कड़वी है यार मैं क्या बताऊँ, मतलब बस जी खेल जाता है मेरा पूरा लेने के बाद, बट वो मैं डालूंगी जरूर, 2 टाइम बता रखी है, तो बस डिनर हो चुका है सबका, बच्चों को भी खिला दिया है, अभी मैं लेके आऊँगी दूध, तो अब मैं शायद पति देख साथ हम लोग जाएंगे राउंड पे, तो चलो तो हम लोग जा रहे हैं राउंड पे, तो देखते हैं वहाँ अगर ब्लॉग बन पाया तो मैं बनाऊँगी, नहीं बन पाया तो मैं नहीं बनाऊँगी, तो बस ब्लॉग एंड करूँगी, तो बने रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जो भी नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो अब करो इतना डिस्टर्ब कर दी ना मैं, तो जो भी नए हो चैनल प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, वीडियो को शेयर कर देना फैमिली मेंबर्स के साथ फ्रेंड्स के साथ, तो बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट ऐसे बनाए रहने चाहिए, बनाए रखना गाइस, तो 1500 कंप्लीट हो गए, फटाफट करवाओ यार और बढ़वाओ मेरे, अगर मेरे जल्दी जल्दी फटाफट बढ़ने लगे ना मैं इतनी मेहनत करूंगी, मैं दिन रात बस वीडियो बनाऊंगी पक्का प्रॉमिस, तो बस यही है, और मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बताइएगा जरूर व्लॉग कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, क्या चाहिए कुछ नया देखना चाह रहे तो प्लीज वो भी कमेंट में बताना मुझे नीचे कमेंट करके, है ना, तो बाय, जय माता दी। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ हम लोग जा रहे हैं छुप बच्चों से छुप के, तो एक्चुअली मोनी के रूमी है दोनों, तो इसलिए हम लोग चुपचाप निकल रहे हैं कि कहीं देख ना ले, और ये दरवाज़ा भी मैं इसलिए बंद कर रही हूँ एकदम धीरे ताकि बच्चे देख ना ले, अगर उनको आवाज़ आ गई ना बंद होते वो समझ जाएंगे पक्का हम दोनों बाहर जा रहे हैं, और दोनों हम लोगों के साथ हो जाएंगे, भाग लो बस मेरे फुलवारी कैसे भूल सकती हूँ दिखाना, ये देख लो ये मेरा एलवेरा, इसमें भी एलवेरा, ये लगता है उस पर, यहाँ पर भी एलवेरा, तो चलो तुम अब बिगाड़ रहे हो डेली लेके जा रहे हो, शिप पर चल जाओगे फिर मैं क्या करूँगी, अकेले तो माऊंगी नहीं राउंड पे, फिर फिर मैं पता फिर मैं मेरे पास व्लॉग में ही गुम हो जाऊंगी, पढ़ाई पे ध्यान देना, हाँ यार वो तो है ही, बच्चों के स्टार्ट हो जाएंगे अब ना, आज अकाउंट में कुछ आए होते उसके 20-25 हजार कुछ दिखा रहा था, अच्छा एक दो पेन के, हाँ यार तो देखी यार 54 हजार का पेशेंट किया, 24 हजार देता है बस, अच्छा उसी की बात चल रही थी, अगर 60% वो रखे 50% मेरे तो हैं, कौन सा पेशेंट की बात कर रहा था, यो कहाँ करा था इसने, तो गाइस मैंने ले लिया है प्लकर, बच्चे ने प्लकर गुम कर दिया, नोनू के लेके आई मैं जेली, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है जेली, और के लाए लॉलीपॉप लेके आई हूँ बस, और हम राउंड मारी आई और अभी आ गए घर, प्रॉपर होना ही था भैया, आउट आउट हो गए, आउट हो गए, आउट हो गए, सुपर आउट हो गए, राम मुझे कहा सुपर आउट हो गए।
पानी पूरी तो यहाँ चल रहा था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच 2020 वाला। तो ये देखिए लास्ट बॉल रहेगी तो एक रन चाहिए था, तो यहाँ पे फाइनली इंडिया जीत चुकी थी और सब लोग ऐसे बैठे थे यहाँ पे, तो बस मैं क्या ही बोलूँ, आँख गड़ा के ये देखो सब लोगों का रिएक्शन एकदम मस्त वाला। तो बस व्लॉग एंड करूँगी, जब भी नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाय।